I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. फाइनली गाइज गोरखपुर से आ गए हैं अपने गांव पे, और यहां पे जो है ना एक हफ्ता हो गया भाई गांव पे रहते हुए। हमको एक हफ्ते से गांव पे हैं और यहां का जो है माहौल बहुत ही अच्छा लगता है भाई हमको। यहाँ का जो शांत वातावरण, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण भाई, एकदम बिल्कुल शांत वातावरण। तो गांव का जो है नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। तो आइए दिखाते हैं। और ये मेरा मकान है, आप पीछे देख सकते हैं। इधर मेरी गाड़ी पार्क हुई है, इधर बहुत सारा है भाई। सामने घर के सामने नीम का पेड़ है ये विशाल। इधर जो है बगल के पड़ोसी का घर है, ये सारे अगल बगल पड़ोसी के भाई। घर के सामने से मेन जो है मेन रोड गया हुआ है, ये वाला रोड इधर गांव की तरफ चला जाता है और इधर मेन मार्केट को चला जाता है। तो ये रहा मेरा घर। तो ये सामने नीम का पेड़ है भाई, बहुत सारा जगह है भाई, बहुत सारा जगह है यहाँ पे। एक हैंडपम्प है, मंदिर है, उधर पीछे जाने का रास्ता है भाई उधर से। इधर मेरे पड़ोसी का घर है, इधर भी पड़ोसी का घर है। घूम रहे हो तुम, कहाँ घूम रहे हो? हाँ फाइनली गाइज गांव के बाहर आ गए घूमने के लिए। बहुत मज़ा आता है भाई गांव में आते हैं ना, गांव का जो है मौसम ही कुछ आता है, अलग होता है भाई। यहाँ पे प्रदूषण भी कम होता है और पूरा बहुत ही फ्रेश वातावरण होता है भाई। बहुत ही मज़ा आता है भाई गाँव में, बहुत ही मज़ा आता है। गाइज ये गांव की खेती रही, यहाँ पे धान की खेती है भाई। आते हैं ना पूरा हरियाली हरियाली दिखाई देता है भाई। इतना स्पेस जो है ना शहर में कहीं दिखने को नहीं मिलता है। पूरे शहर में घूमते हैं, गोरखपुर में कहीं नहीं दिखता है भाई। पूरा गांव पूरा खाली खाली एरिया, दूर दूर तक घर है भाई, दूर दूर तक। तो गाइज उधर मेरे गाँव के जो है लोग ना अपने जो है गाय को चराने आए भाई। गाँव गाय की सेवा करते हैं लोग, इसको कहा जाता है भाई गौ सेवा, इसको कहा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं गाय को जो है दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, गाय इधर उधर भटकती हैं। जो जब तक दूध देती हैं तब तक उसकी सेवा करते हैं, जब देना दूध देना बंद कर देती है तो लोग गाय को निकाल देते हैं भाई। तो इसको गौ सेवा नहीं कहा जाएगा, असली गौ सेवा यही है। लोग साथ में आते हैं, साथ में चराते हैं और चराने के बाद लेके अपने घर जाते हैं। तो इसको असली गौ सेवा कहा जाएगा भाई। दूध भी खाते हैं, उसको चराते भी हैं, फिर इसको जो घर भी ले आते हैं। तो गाइस जी रही मेरी सुपर कार, मस्त लग रही है भाई, क्या तगड़ी कार लग रही है भाई। पूरी गंदी पड़ी है भाई, पूरी गंदी पड़ी है। आज निकलना है इसको धुलवाने के लिए, मस्त धुलाई होगी भाई आज। इसे दिखाते हैं, मेरी सुपर कार है ये जो है। गाइस यहाँ पे जो है ये प्रचार वाले आए थे क्लिनिक प्लस टेम्पू वाले, तो यहाँ पे पोस्ट लगाए हैं भाई। बहुत मस्त पेंटिंग की है भाई, बहुत मस्त पेंटिंग भाई, कितना मस्त लग रहा है। ये मेरा मकान रहा, ये सामने रही मेरी सुपर कार, और यहाँ पेंटिंग हुई है भाई। मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है, फुल मस्त लग रहा है भाई। ये वाला फुल मस्त लग रहा है, इधर गुलाब का फूल लगा हुआ है, गुलाब का फूल, ये गुलाब का फूल मस्त लग रहा है भाई, पूरा फूल निकल गया भाई इसमें। चलिए गाइस चलते हैं वीडियो एडिटिंग करने। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।